वेलकम टू द चैनल आरवी फैंटेसी 7th स्टूडियो में हम बात करने वाले एनबी लीग का जो मैच होने वाला है फोनिक्सुन वर्सेस मेम्फिस ग्रिजल्स के बीच में। फोनिक्सुन जो थे आप पॉइंट टेबल पर सेकंड पोजीशन पर है और फोर्थ पोजीशन पर है मेम्फिस ग्रिजल्स। फोनिक्सुन अपना लास्ट मैच यहाँ पर हार कर आ रही नंबर वन टीम यानी गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के साथ, क्योंकि गोल्डन स्टेट वॉरियर्स का डिफेंस सबसे बेस्ट है अभी तक फिलहाल इस एनबीए का जो सीजन चल रहा है उसमें। और मेम्फिस ग्रिजल्स जो तो अपना लास्ट मैच यहाँ पर विन कर कर आई है, लेकिन इससे पहले तीनों मैच यहाँ पर इन्होंने लॉस किया और फोनिक्सुन लास्ट मैच यहाँ पर हार कर आए, लेकिन उससे पहले तीनों मैचेस इन्होंने विन किए। तो कंपेरेटिवली दोनों टीम में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। 1.5 महीने पहले इन दोनों टीम के बीच में आपको एक हेड टू हेड मैच दिखेगा जो हुआ था, तो वो मैच यहाँ पर फोनिक्सुन ने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मार्जिन से विन कर लिया था। तो फोनिक्सुन प्रोबेबली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि यहाँ पर फोनिक्सुन का डिफेंस काफ़ी हैवी है कंपेयर टू यहाँ पर मेम्फिस ग्रिजल्स। मेम्फिस ग्रिजल्स के पास उनका ऑफेंस बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर डिफेंस बहुत ज़्यादा लैक ऑफ यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं। बाकी बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर प्लस इंजरी न्यूज़, लेकिन यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोनों लिंक अगर वर्क नहीं करते तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RVFantasy7, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। बात करेंगे फोनिक्सुन की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर, तो क्रिस पॉल स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड से ब्रुक स्टार्ट करेंगे, स्मॉल फॉरवर्ड से ब्रिजेस स्टार्ट करेंगे, रिसेंटली मैचेस ठीक ठाक गए, क्राउडर स्टार्ट करेंगे, पावर फॉरवर्ड से डिफेंसिव प्लेयर है और एंड स्टार्ट करेंगे सेंटर से। ये इस टीम के प्रोबेबल 5 स्टार्टिंग लाइनअप जो कि यहाँ पर रेगुलर रहे थे। क्रिस पॉल अलग ही स्ट्रेंथ है, असिस्ट से बहुत ज़्यादा पॉइंट देते, हेड टू हेड मैच काफ़ी बढ़िया रहा था 1.5 महीने पहले जो था, एंड का भी हेड टू हेड मैच बढ़िया रहा था और सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पर खेले थे ब्रिजेस। ब्रुक्स के लिए वो मैच यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज रहा था कंपेयर करें अदर प्लेयर के साथ, तो ब्रुक्स थोड़े से एवरेज रहे थे उस हेड टू हेड मैचेस में। वैसे लास्ट मैच भी ब्रुक्स का काफ़ी खराब रहा है, फील्ड गोल से बहुत ज़्यादा शॉट्स इन्होंने मिस किए। क्रिस पॉल जो कि ये प्लेयर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देता है, असिस्ट से बहुत ज़्यादा पॉइंट देता है, 8 असिस्ट 6 रिबाउंड और 21 पॉइंट लास्ट मैच में आए थे। माइल ब्रिजेस रिसेंटली मैचेस काफ़ी बढ़िया रहे, वैसे हेड टू हेड मैच भी इनके लिए बढ़िया रहा था, तो एक जेल के लिए बेस्ट पिक। क्राउड और डिफेंस के लिए आपको पॉइंट देंगे और थ्री पॉइंटर शूटर अगर ये इनके कनेक्ट हो गए तो काफ़ी पॉइंट आपको देंगे। एंड का लास्ट मैच बढ़िया और उसी तरीके से इनका जो हेड टू हेड मैच रहा था वो भी यहाँ पर हेड टू हेड मैच में वैसे तो ये खेल नहीं रहे थे, उनकी जगह पर मैगी खेल रहे थे, लेकिन हेड टू हेड मैचेस में क्राउडर का परफॉर्मेंस बेस्ट आया था, थ्री पॉइंटर शूटर है और थ्री पॉइंट से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉट्स यहाँ पर कनेक्ट किए थे। तो क्राउडर पर ध्यान रखना खास कर जीएल में। माइल ब्रिजेस का लास्ट मैच बेस्ट रहा है और जो हेड टू हेड मैच रहा है यहाँ पर भी सबसे बेस्ट टाइम खेले थे। वैसे क्रिस पॉल इस मैच में 5 स्टील के साथ इन्होंने 12 यहाँ पर असिस्ट किए थे, 15 यहाँ पर पॉइंट दिए थे और 4 रिबाउंड दिए थे, तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इनके तरफ से आया था जीएल में। आप इन्हें ESP और PBB भी कंसिडर कर सकते हो। ब्रुक्स अदर प्लेयर के कंपैरिजन में इनका प्लेयर परफॉर्मेंस फिर से यहाँ पर बिलो एवरेज रहा था। तो स्मॉल लीग के अकॉर्डिंग एंड इंपॉर्टेंट है, क्रिस पॉल इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पर क्राउडर हेड टू हेड मैच काफ़ी बढ़िया गए, तो इन्हें यहाँ पर जीएल में ट्राई करना और वैसे जीएल में ट्राई करना माइल ब्रिजेस को भी, और जीएल में अगर यहाँ पर ब्रुक्स को ट्राई करो तो इन्हें यहाँ पर डेफिनेटली आप यहाँ पर PP बनाकर चले जा सकते हो। तो जीएल के लिए इन तीनों प्लेयर को यहाँ पर रिकमेंडेड करूंगा। स्मॉल लीग के अकॉर्डिंग एंड और क्रिस पॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और स्मॉल लीग में इन दोनों प्लेयर में से किसी को यहाँ पर आप ले सकते हो। क्राउडर का वैसे हेड टू हेड मैच बढ़िया गया तो यहाँ पर क्राउडर को भी आप यहाँ पर प्रीफर कर सकते हो, लेकिन उस मैच में एंड खेल नहीं रहे थे, तो एंड अगर यहाँ पर खेले नहीं तो क्राउडर का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ हमने हर बार यहाँ पर देखा है। इस टीम की तरफ से बेंच स्ट्रेंथ है पाइना जो कि यहाँ पर रिसेंटली मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देकर आ रहे। क्रिस जॉनसन हेड टू हेड मैच का परफॉर्मेंस फिर से यहाँ पर बेस्ट आया था, और मैगी जो कि यहाँ पर उस मैच में यहाँ पर स्टार्ट कर रहे थे हेड टू हेड मैचेस में, लेकिन यहाँ पर पर्सनल फाउल कर यहाँ पर ज़्यादा टाइम इनको वैसे भी यहाँ से मिला नहीं था, लेकिन आज का मैच बेंच से खेलने वाले तो इनके सामने यहाँ पर जो डिफेंडर होने वाला वो भी अलग होने वाला है। जो लास्ट जो हेड टू हेड मैच में डिफेंडर था वो डिफेंडर इनके सामने फिलहाल यहाँ पर होने वाला नहीं है, तो मैगी को जीएल में ट्राई करना। अदर जो प्लेयर है तो क्रिस जॉनसन का परफॉर्मेंस बेस्ट आया, वैसे भी यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पर पाइना का है, और मैगी का परफॉर्मेंस लास्ट मैच में बेस्ट, हेड टू हेड मैचेस में कुछ खास नहीं, फाउल इन्होंने कर दिए थे थोड़े से ज़्यादा, 5 पर्सनल फाउल कर दिए थे इस मैच में, और क्रिस जॉनसन यह मैच इनके लिए काफ़ी बढ़िया रहा था। तो स्मॉल लीग के अकॉर्डिंग क्रिस जॉनसन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हेड टू हेड मैच परफॉर्मेंस बेस्ट आया, मैगी और पाइना जो होंगे तो ये जेल के लिए टॉप पिक होंगे, बाकी स्मॉल लीग के अकॉर्डिंग हमारे लिए यहाँ पर क्रिस जॉनसन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अदर अगर यहाँ से बात करूँ मेम्फिस ग्रिजल्स की तरफ से, तो मेम्फिस ग्रिजल्स की तरफ से जो मेरहंट जो कि यहाँ पर यूनिवर्सल ESP हो सकते हैं, डिएंड्रे बेन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे गार्ड से, आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाले, क्योंकि यहाँ पर इनके तरफ से जो यहाँ पर अदर जो यहाँ पर स्टार्टर है
वो स्टार्टर यहाँ पर जो बेंच प्लेयर है मिल्टन वो फिलहाल यहाँ पर खेल नहीं रहे, और वैसे भी यहाँ पर ब्रुक्स जो कि यहाँ पर ऑफेंसिव यहाँ पर चार्ज हैंडल करते थे वो भी फिलहाल यहाँ पर खेल नहीं रहे, उनकी जगह पर कुंचर स्टार्ट करे तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रोल जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो डिएंड्रे बेन और जो मोरेंट इनका रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके डिएंड्रे बेन जो कि यहाँ पर इनके बैकअप जो यहाँ पर बेंच प्लेयर है मिल्टन ये फिलहाल यहाँ पर आउट है, तो इनकी जगह पर बेन का टाइम यहाँ पर इंक्रीज होता आपको मे बी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे ब्रुक्स यहाँ पर खेल ले रहे हैं, ब्रुक्स की जगह पर यहाँ पर खेल रहे हैं यहाँ पर कॉन्चर जो कि यहाँ पर लास्ट मैच में इनका बेस्ट परफॉर्मेंस आया, वैसे 88 मैचेस में भी इनको अच्छा खासा टाइम दिया गया था, तो एक स्मॉल लीग का अकॉर्डिंग कॉन्चर इंपॉर्टेंट है। जेरिंग जैक्सन का रिसेंटली मैचेस में परफॉर्मेंस ठीक ठाक, आराम यहाँ पर 88 मैचेस में इतने बेस्ट रहे नहीं थे, लेकिन 88 मैच में इनके सामने जो अपोनेंट रहा था वो अपोनेंट यहाँ पर डिफरेंट था, और आज के मैच में अपोनेंट यहाँ पर डिफरेंट रहने वाला है, तो अर्लन थोड़े से इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। बाकी बेन का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देख लेना, आज के मैच में भी टाइम सबसे बेस्ट खेलते हुए दिखेंगे, लास्ट मैच में भी वैसे सबसे बेस्ट टाइम खेले थे। मोरन का फिर से बेस्ट आता ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आता है इस प्लेयर की तरफ से भी, यूनिवर्सल एसपी और पीपी भी आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्चर के लिए वैसे यहाँ पर लास्ट मैच बेस्ट गया था, इनसे बेटर क्रेडिट्स और वैसे भी कोई आपको मिलेगा नहीं, तो वन ऑफ द बेस्ट पिक इसे यहाँ पर फिर से प्रिफरेबल करूँगा। आराम का बेस्ट आया था, बेस्ट यहाँ पर आया है जैक्सन जूनियर का, तो जूनियर ने रिसेंटली हर मैचेस में परफॉर्मेंस यहाँ पर बेस्ट दिया है, वैसे 88 मैचेस में भी इनका परफॉर्मेंस बेस्ट आया था, लेकिन 88 मैचेस में जो यहाँ पर फोनिक्स उनकी तरफ से जो यहाँ पर इनके सेंटर के प्लेयर थे वो यहाँ पर पर्सनल फाउल के चलते यहाँ पर बाहर हो गए थे, इसलिए यहाँ पर जैक्सन का बेस्ट आया। वैसे जैक्सन के लिए आज का मैच यहाँ पर इतना इजी होने वाला नहीं है, क्रेडिट अवेलेबल है तो जैक्सन का ट्राई कर सकते हो। बेन कॉन्चर और मोरंट जो होंगे तो ये तीनों स्मॉल लीग के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट, और आराम को भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, ये प्लेयर कभी कभी आपको यहाँ पर ब्लॉक से इतने पॉइंट दे देगा कि यहाँ पर अदर शूटिंग के जो प्लेयर उतने पॉइंट देते उतने पॉइंट भी यहाँ पर आराम के इतने यहाँ पर वो पॉइंट यहाँ पर दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक और रिबाउंड से भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर आराम आपको दे देंगे। अगर यहाँ से बात करूँगा इस टीम की तरफ से जो बेंच स्ट्रेंथ है, जॉन्स का टाइम यहाँ पर प्रोबेबली इंक्रीज होता है आपको यहाँ पर देख सकता है, काइल एंडरसन खेलेंगे बेंच से, बैकअप सेंटर टिलमन यसार इन्होंने रिसेंटली मैचेस में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, टिलमन का परफॉर्मेंस उसी के साथ साथ या के टिलमन लास्ट मैच में ठीक ठाक टाइम इनको मिला था जो कि यहाँ पर ये प्लेयर आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स टिलमन यसार रिसेंटली मैचेस में हर मैचेस में इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, खास कर जो सेकंड मैच रहा था 8.8 रिबाउंड 2 ब्लॉक और 1 स्टील इनके तरफ से आए थे। क्रेडिट्स और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ट्राई कर सकते हो। अदर जो प्लेयर है एंडरसन वन ऑफ द बेस्ट इनके फिलहाल यहाँ पर अभी जो फिलहाल जो मैच चल रही है इस मैच के अकॉर्डिंग यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर इनके बेंच प्लेयर है जो कि यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइम इनको मिलता है प्रोबेबली बेंच से हर बार। मिल्टन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा रोल जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा एंडरसन का, जो कि आप इन्हें स्मॉल लीग में पिक कर सकते हो थोड़ा सा रिस्क लेकर, जीएल के लिए काफ़ी बढ़िया पिक। अगर यहाँ से ड्रीम इलेवन टीम के बारे में अगर बात करो तो मोरंट इंपॉर्टेंट होने वाले थोड़े से यहाँ पर क्रिस पॉल इंपॉर्टेंट, अब इनको हमेशा से बेस्ट टाइम मिलता है, और वैसे भी यहाँ पर आज का मैच में यहाँ पर ब्रुक्स नहीं खेल रहे और खेल नहीं रहे मिल्टन, तो यहाँ पर बेन का लास्ट मैच में भी टाइम इंक्रीज हुआ था, आज के मैच में भी प्रोबेबली टाइम इंक्रीज होगा, तो ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कॉन्चर और डिएंड्रे बेन को यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ। अदर जो ऑप्शन है क्या जॉनसन का आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है एंडरसन का, दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मिल्टन इंपॉर्टेंट है, जेरिंग जैक्सन को यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ, बचते फिलहाल यहाँ पर 8 क्रेडिट में हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें यहाँ पर आप यहाँ पर पाइना को भी पिक कर सकते हो या फिर पिक कर सकते हो आप यहाँ से टिलमन यसार को। बाकी अभी फिलहाल यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो लग रहा है वो यहाँ पर पाइना थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट भी यहाँ से लग रहे हैं, 30 कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर प्रोबेबली मैं चला जाऊँगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर विजन एलोम पर खेल रहे हो तो विजन एलोम पर आप यहाँ पर एंडरसन को ट्राई करना, क्योंकि एंडरसन को टाइम मिलने के ज़्यादा यहाँ पर चांसेस है, तो ये मेरी ड्रीम इलेवन टीम प्रोबेबली फाइनल हो सकती है। एस पी बी पी चॉइस की अगर यहाँ से बात करूँ तो नो डाउट मोरंट मेरे यहाँ पर होने वाले एस पी 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 के लिए एंड का काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, या फिर क्रिस पॉल को भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, और आज का मैच जो होने वाला है एंड के लिए इतना यहाँ पर ईजी होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर आराम जो कि यहाँ पर अपोनेंट का सेंटर प्लेयर है डिफेंस काफ़ी बढ़िया है इन्होंने यहाँ पर इस सीजन में किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिएंड्रे एंटोनी को मैं यहाँ पर पीपी नहीं बना रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर चाहो तो डिएंड्रे एंटोनी को भी यहाँ पर पीपी बना सकते हो। तो ये मेरे ऑलमोस्ट फाइनल ड्रीम इलेवन टीम है, जो भी चेंजेस होंगे फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के साथ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। होप गाइज वीडियो पसंद आया होगा, उसके साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा, तो मिलते हैं फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।